मार्ट पर हूँ मैं इस वक्त, मर्दान मार्ट ही कहूंगा मैं तो इसे, मर्दान प्याला होटल नहीं कहूंगा मैं, मर्दान मार्ट कहूंगा। माशाल्लाह से हर चीज मर्दान प्याला होटल पर मौजूद है। और क्या कहें कि सुबह का नाश्ता करें, चाय पिए, कश्मीरी चाय पिए, ग्रीन टी पिए, पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, शवारमा खाएं, और आपका अल्लाह भला करे सूप पिए, लस्सी पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, पूरा मार्ट ही हो गया माशाल्लाह से। आइसक्रीम भी है, आइसक्रीम भी है, तो ये एक पूरा मार्ट है, मर्दान मार्ट में से कहूंगा, मैंने इसे नाम दे दिया मर्दान मार्ट। आपको पता है हैदराबाद शहर में इस वक्त सर्दी की शदीद लहर है, और मैं आपको बताऊं मर्दान मार्ट पर हूं मैं इस वक्त, मर्दान मार्ट ही कहूंगा मैं तो इसे, मर्दान प्याला होटल नहीं कहूंगा मैं इसे, मर्दान मार्ट कहूंगा। माशाल्लाह से हर चीज मर्दान प्याला होटल पर मौजूद है। और क्या कहें कि सुबह का नाश्ता करें, चाय पिए, कश्मीरी चाय पिए, ग्रीन टी पिए, पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, शवारमा खाएं, और आपका अल्लाह भला करे सूप पिए, लस्सी पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, पूरा मार्ट ही हो गया माशाल्लाह से। आइसक्रीम भी है, आइसक्रीम भी है, तो ये एक पूरा मार्ट है, मर्दान मार्ट में से कहूँगा, मैंने इसे नाम दे दिया मर्दान मार्ट। पहली फुर्सत में आप लोग इसका नाम चेंज करके मर्दान मार्ट कर दें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा हैदराबाद की आवाम को। कश्मीरी चाय पी रहा हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा हैदराबाद शहर में, शदीद सर्दी की लहर आ गई है, और बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से। बनाई भी बड़ी टेस्टी है भाई ने, स्पेशली बनाई है मेरे लिए। और आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अबू की तबीयत ठीक है, शुक्र। सर्दी में एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा, मैंने बोला आपसे मर्दान प्याला होटल शेयर करते हैं, मशहूर ज़माना होटल, इसे किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मर्दान प्याला होटल आपको पता है लतीफाबाद नंबर 7 में है, और बड़ा ज़बरदस्त होटल है, हर चीज़ मिलती है। वैसे मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, लेकिन लाजवाब सा होटल है। और अगर आपको अच्छी चाय पीनी है, लाजवाब चाय पीनी है,
कश्मीरी चाय पीनी है, ग्रीन टी पीनी है और कुछ खाना पीना है तो आपको मर्दान प्याला होटल का रुख करना पड़ेगा। तो मैं क्या आपको इसकी तफसील बताऊं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसकी तारीख तो बताओ यार, सर कब खोला, कैसे खोला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे तो पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम कहना चाहता हूं और हैदराबाद न्यूज़ को जैसे कि हमेशा से हमारी नुमाइंदगी भी की है। ये हैदराबाद न्यूज़ नहीं है, कोई बात नहीं, आप घबराएं मत, और ये आपकी जो ई है ये भी चलाएंगे, ये हंग्रियन दर्शी है। सॉरी सॉरी, मैं आपका भूल गया था कि माशाल्लाह ज़ैब भाई जो है थोड़ी सी और मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, एक और चैनल और माशाल्लाह वो मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, और बस ये है कि हैदराबाद न्यूज़ हमारे ज़्यादा करीब है, हमारे ज़्यादा करीब रहा है और अब इंशाल्लाह ये चैनल भी हमारे करीब होगा। और मैं ज़ैब भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और शाकिर भाई का भी कि हर वक्त हमें एक मोहब्बत भी देते हैं और आते भी हमारे पास और हमेशा खिदमत भी की है इन्होंने हमारी, तो बहुत शुक्रिया ज़ैब भाई आपका। अच्छा पहले तो मैं बता दूं कि ये मेहनत जो है हमारे वालिद साहब की है, एक बहुत छोटे से स्टॉल से हमने काम स्टार्ट किया था जब हमारे पास एक दुकान थी और लतीफ़ाबाद की आवाम ने खासकर और हैदराबाद की आवाम ने हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी और मैं हैदराबाद की आवाम का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारी इस कामयाबी में हमारा साथ दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब तक आवाम का रिस्पॉन्ड नहीं हो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये आवाम का रिस्पॉन्ड है और ज़ैब भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने आज हमें दिखाने की ये कोशिश की है। तो हमारे पास सुबह का नाश्ता भी अवेलेबल है, सुबह 4 बजे जो है हलवा पूरी और चिकन पराठा, बीफ पराठा, आलू पराठा और हलवा, इसके अलावा जो है अंडा पराठा हो गया और लस्सी हो गई, अब वो सर्दी हो गर्मी हो 12 महीने लस्सी हो गई, दही हो गया, मलाई हो गया, अच्छा रबड़ी हो गई, आइसक्रीम हो गई और बहुत सारी मतलब चाइनीज़ सूप हो गया, जैसे सर्दी में गाजर का हलवा हो गया, इसी तरीके से गर्मियों में हम गर्मियों की चीज़ें रखते हैं जैसे आइसक्रीम के अलावा भी लस्सी के अलावा हम और ऐसी फ्लेवर में दूध वाली बोतलें बनाते हैं जो गर्मियों में ज़्यादा मौसर रहती हैं। और ज़ैब भाई ये जो मैं बता रहा था होटल के बारे में, तो ये हमारे वालिद साहब की एक कोशिश थी, एक सोच थी, उनको बहुत शौक़ था एक तो चाय पीने का और ऊपर से होटलिंग का, और हमारे वालिद साहब के कज़न्स हैं, उनकी कराची में एक होटल थी और उसको एक बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके हमारे वालिद साहब ने दिखाया था एक बार कुछ टाइम चला के होटल इस तरीके से चल रही है, तो वही कोशिश हमारे वालिद साहब ने यहाँ भी की और अल्लाह पाक का एहसान है हमें कोई मेरे ख्याल से 17 या 18 साल हो गए जो हम हैदराबाद में ये खिदमत आप सब भाइयों के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपना काम भी करते रहें अपना। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको सर्दी के ठीक से मज़े लेने हैं और सर्दी को इंजॉय करना है तो फिर लाजमी मर्दान प्याला होटल पर आएँ, ग्रीन टी पिएँ, चाय पिएँ गरम गरम और कश्मीरी चाय। चाय में कितने फ्लेवर हैं? तकरीबन 8 से 9 फ्लेवर हैं हमारे पास अभी इस टाइम पर अवेलेबल। चाय में भी 8-9 फ्लेवर हैं, तो फिर जल्दी से आ जाएँ मर्दान प्याला होटल। मैं अपने हैदराबाद की आवाम से एक ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी शादी ब्याह की तकरीब हो या कोई भी इवेंट हो उसके लिए भी लाइव स्टॉल चाहिए हो आपको, मतलब लाइव ग्रीन टी, सुलेमानी कावा, कश्मीरी चाय, कॉफ़ी या चाय हो गई, या इसके अलावा भी कोई फ्लेवर अगर आपको जैसे चॉकलेट चाय हो गई या एक्सपेंसिव कोई भी फ्लेवर आप बताते हैं तो इंशाल्लाह लाइव भी और वैसे भी कितने ही बंदों की गैदरिंग हो तो इंशाल्लाह हम अवेल हैं। ये सहूलत का बचत बाजार है पूरा, इसका नाम है मर्दान मार्ट। बहुत शुक्रिया, देखते रहें हैदराबाद। मैं भी यही बोलने वाला हैदराबाद न्यूज़, हैदराबाद न्यूज़ नहीं आंग्री दृष्टि, हैदराबाद न्यूज़ भी देखते रहें, वो भी हमारा अपना है। बहुत शुक्रिया।